नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए हरमन लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी है आपका बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश के बाद में किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस हैं कर्ण वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश एंड ऑप्शन डी शक वंश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, खानवा के युद्ध में बाबर किसके साथ लड़ा था? तो दोस्तों, जो खानवा में युद्ध हुआ था उसमें बाबर और किसके बीच में लड़ाई हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राणा सांगा। जी हाँ दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1741 ईस्वी, ऑप्शन बी 1740 ईस्वी, ऑप्शन सी 1739 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1742 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1739 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी होगा आपका अकबर। तो दोस्तों, ये जो नीचे कुछ मुगल शासकों के नाम दिए गए हैं इनमें किस शासक के लिए जिंदा पीर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो की अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो की PDF फाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, जो पानीपत में युद्ध हुआ था तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1557 ईस्वी, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1761। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1526 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1540 ईस्वी में। तो दोस्तों, कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1540 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1576 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1556 ईस्वी। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पानी का तीसरा व अंतिम युद्ध
कब हुआ? तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ था उसका आपके नीचे ऑप्शन आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1762 ईस्वी, ऑप्शन सी 1763 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1764 ईस्वी। तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 25 दिसंबर के लिए पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस मनाते हैं, तो अब क्रिसमस जो फेस्टिवल है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईसा मसीह। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले डिफेंस के एग्जाम्स में खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फिनिश करते हैं आज की वीडियो, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।